नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका आहुरी तीन मास सतर्कता पूजा समय भिड़ न जमाई घरे रही उत्सव पालन परामर्श देछि स्वास्थ्य विभाग सेपटे परिवार कल्याण विभाग कहिछि एणिकी घरे पहुंचाई दिया कोविड टीका दिव्यांग एवं जास करिपारु नथिबा लोकंक पई घरे पहुंची टीका देबे स्वास्थ्यकर्मी एथिपई खूब शीघ्र जारी हेबो एक हेल्पलाइन नंबर डिसेंबर सुद्धा प्रथम डोज टीकाकरण शेष करबाकु लक्ष्य रखा जाइथिबा कहिछन्ति परिवार कल्याण निर्देशक घरे पहुंचिब कोविड टीका जो माने टीका नेबा टीकाकरण केन्द्र को जाईपारु नहंती तांको पई स्वास्थ्य विभाग एक स्वतंत्र योजना प्रस्तुत करुछे एथिपई प्रत्येक जिलापाल चिट्ठी दिया जायछे एथिपई एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा जिवो जेउथिरे जोगाजोग कले मोबाइल भैक्सीन भ्यान घर पाखरे पहुंचिब विशेषकर दिव्यांग और जास करिपार नथुवा व्यक्तिंकु दिया जिवो प्राथमिकता परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही कहते राज्य में गत मसने 85 लाख टीकाकरण वर्तमान सुधा राज्य में 3,16,00,000 टीकाकरण सरी एजाए 73 भाग लोक प्रथम डोज नहीं सारी 29 भाग लोक डबल डोज नहीं डिसेंबर सुधा प्रथम डोज टीकाकरण सर लक्ष्य रखा जा गाइडलाइन जो कि प्रत्येक जिले गोटे हेल्पलाइन र से हेल्पलाइन जो लोक आसीपारे ना डिजेबल्ड अच्छा घर उठी पारे ना कि एल्डरली अच्छा वयस्क लोक सी भी चली पार ना उठी पार ना से नंबर को फोन कर जनइबे से ब्लक को निर्देश देवे से सही मोबाइल टीम घर को जाकर टीकाकरण करेंगे सेपटे स्वास्थ्य निर्देशक कहते कोरोना संक्रमण संपूर्ण कमेबा नवेम्बर पर्यंत लोक सतर्क रहा पड़ पूजा परिवेशरे भिड़ कमाइबाकु हेबो शीत दिने ठंडा काश अधिक हेउथिबारु एहा कोरोना संक्रमण को आमंत्रण करिपारे ता छड़ा भुवनेश्वर रे पॉजिटिव हार अधिक रहउथिबारु बीएमसी गाइडलाइन पालन करिबा उपरे जोर देछंती स्वास्थ्य निर्देशक जनस्वास्थ्य निर्देशक कहिछंती जिल्ला रे जेउठी संक्रमण व्यापीबा संभावना रहिछि सेठारे भिड़ कमाइबा गाइडलाइन कडाकडी करजबा नै समस्त जिलापालंकु अधिकृत अधिकारी भाबे क्षमता दिया जायछि प्रथमे जीवन तापरे मेला महोत्सव ओडिशारे संक्रमण स्थिर थिले मध्य आगामी 3 मास लोकंकु आचरण निर्णायक हेब तेणु आईसीएमआर चेतावनी को मानि बाहर को न जाई निज घरे उत्सव पालन करबाकु परामर्श दैछन्ति से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एटा गोटे आगुआ व्यवस्था निश्चय भाबरे आखि आगर रखाइजे जे भिड़ बढ़िले ट्रांसमिशन बढ़िबो तेणु आम भिड़ करवा ना समस्ते मिसिकी जो नवेम्बर पर्यटन आमको डेंजरस लाइन देती नीति आयोग आईसीएमआर देखे आशा करने भल पढ़ू सब जिलापाल मानक अधिकृत कराई जिले बीएमसी सीएमसी म्युनिसिपल अधीन जो संक्रमण बढ़िबार संभावना अच्छी से मेजर नेबे आम जदि टीकाकरण बढ़ इम्युनिटी बढ़े संक्रमण व्यापार संभावना कमिज तेणु ये आसंता 3 मास प्राय निर्णायक हवा तेणु आसंता 3 मास आमको सतर्क होगा पड़ सेर सर्वे जमापड़ी राज्यर 70% लोकों देह रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी टीकाकरण संपूर्ण हेले प्रतिशत आहुरी बढ़िजार संभावना रही भुवनेश्वर महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया राज्य में पंचायत निर्वाचन पर सजबाज आसंता फेब्रुआरी में होपे निर्वाचन पंचायत सभ्य और जिला परिषद सभ्य और अध्यक्ष संरक्षण नहीं चिठी पर निर्वाचन पखे स्पष्ट होशक बीजेडी कही पिपिलीरु जा पंचायत सन्देश सेपटे बीजेपी कहवा कथा गत थर आम भल करूँ एथर भी से हम आंग्रेस कहवा है आम भी पूरा प्रस्तुत राज्य में पंचायत निर्वाचन प्रस्तुति फेब्रुआरी रे होई परे पंचायत भोट फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह रु पड़ी परे भोट पांचटी पर्यायर होई परे पंचायत निर्वाचन पंचायत निर्वाचन पई बिगुल 2022 मसीहा मार्च 5 सुधा फल प्रकाश सह नुआ लोक प्रतिनिधि दायित्व ग्रहण करिवे हेले केउ तारीख रे भोट हेबो से नै चुडांत निष्पत्ति नेबे राज्य निर्वाचन कमिशन तेबे ता पूर्वरु त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पई आरंभ होई संरक्षण प्रक्रिया अक्टोबर 8 रे पंचायत और पंचायत समिति पदवी पर प्राथमिक चिठा संरक्षण तालिका प्रकाश पाइब आसंता 26 रे जारी हेबो चूड़ांत तालिका से भली जिला परिषद पदवी पर आसंता 8 रे चिठा संरक्षण तालिका एवं 30 रे चूड़ांत तालिका प्रकाश हेबो जिला परिषद अध्यक्ष पद पर अक्टोबर 16 रे चिठा एवं 26 रे चूड़ांत तालिका प्रकाश पाइब
एथिपाई प्रस्तुति त्वरान्वित करने को समस्त जिलापा निर्देश जारी कर पंचायतराज विभाग। 2022 मार्च 5 रे पंचायतराज प्रतिनिधि कार्यकाल सर तेणु नियम अनुसार ता पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया सारे नीतिगत निष्पत्ति सरकार अक्टोबर 30 सुधा संरक्षण प्रक्रिया चूड़ांत शेष कर राज्य निर्वाचन कमिशन को तालिका हस्तांतर करा जीवो। वार्ड मेंबर सरपंच समिति सभ्य और ब्लॉक अध्यक्ष पद पर 8 तारीख में चिठा तालिका प्रकाश पर 16 आपत्ति अभियोग ग्रहण करा जीवो। 21 तारीख सुधा संरक्षण नहीं अभियोग उपरे सुनानी पर 26 रे चूड़ांत संरक्षण तालिका प्रकाश सह निर्वाचन कमिशन को हस्तांतर करा जीवो। सेहिभली जिला परिषद सभ्य सभ्या पदवीर संरक्षण चिठा तालिका 8 रे सर्वसाधारण अवगति पर जारी हेबो। तालिका उपरे 18 रु आपत्ति अभियोग ग्रहण करा जाई 22 सुधा जिलापाल सुनानी करी फैसला करिवे। 29 रे सरकारी अनुमोदन परे 30 रे चूड़ांत तालिका कमिशन को निकटरे सरकार दाखल करिवे। आउ शासक बिजेडी रो कहिबा कथा पंचायत निर्वाचन रे संरक्षण नै किछि असुविधा हेबनि एवं दलर प्रस्तुति रो झलक पिपिली निर्वाचन रो मिलि सारिछि। ए समस्त घटना रे जो संवैधानिक व्यवस्था अछि स्टेट इलेक्शन कमिशन डिसाइड करूछि शेड्यूल एवं ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया अछि से अनुसार गवर्नमेंट जीव गवर्नमेंट प्रस्तुत करिवो अल्टीमेट नोटिफिकेशन बाय इलेक्शन कमिशन। बिजेडी केते प्रस्तुत बिजेडी वर्तमान केते प्रस्तुत बिजेडी प्रस्तुत बुझियो बाकी अछि ये पिपिली रो छोटिया झलक जानि परलनि सारा ओडिसा रे कोन हो। सेपटे बीजेपी कहिछि जे पंचायत निर्वाचन पिपिली निर्वाचन नुहे गत पंचायत निर्वाचन रे भलो करथिला बीजेपी आउ एथर भी नेता ओ कर्मी ग्राउंड रे काम आरंभ करि सारिछन्ती तेणु गत थर सफलता दोहरैबा पई आशा रखिछि विरोधी दल। सेहिपरि कंग्रेस रो कहिबा हला पंचायत निर्वाचन पई आरंभ होइ सारिछि प्रस्तुति। गाँ गाँ तो डाई इलेक्शन नुह जे गोटे इलेक्शन हम पूरा सब नेता सेठ जाई पड़ जिबे ये सब ब्लॉक रे हम सब पंचायत रे हम से पूरा प्रस्तुत होइ गछन्ति आमर कर्मी माने मोर विश्वास भारतीय जनता पार्टी रो भल फल हम रोड मैप तैयारी करा होउछि कार्यक्रम निहाई दायित्व दिया दिहे लोक को जो माने सब कन्सेंस लीडर अच्छा आमर दृढ़ विश्वास जे पंचायत निर्वाचन रे कांग्रेस संगठित भाव लड़ब और भल कर। 2022 मार्च में सरु पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल तेणु ता पूर्व निर्वाचन सर प्रायतः निश्चित। भुवनेश्वर महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी टेंशन नहीं सबुआड़े हलचल घटनार दुई दिन परे सामनाको आसी सत ता पुणी सांघातिक एवं हृदय विदारक केमिति जाणीशुणी चाषीों पर कार चढ़ाई दि जाइए से नहीं भिजुआल एवं भाइराल भिडियो देखाई कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री को खोला चैलेंज देता बेले लखनऊ विमान बंदर में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल देखते धारणा सेपटे घटनार विचार विभाग तदंत एवं अभियुक्त को तुरंत गिरफ्त करने दावी में सुप्रीम कोर्ट रे भी करा जाई छी आवेदन। नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? गिरफ पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस साधारण संपादक प्रियंका गांधी वार्ता उत्तर प्रदेश लखीमपुर चाषी उपरे गाड़ी चढ़ा वीडियो को मोबाइल माध्यम रे देखाई ट्वीट करिसेंति प्रियंका एहा सह एक वीडियो जारी करी कहिसेंति कि गाड़ी मड़ाई देथिबा अभियुक्त को पुलिस धरु नाही हेले बिना कारण रे ताकु अटक रखा जाइछि। चाषी दुख बुझिबा को प्रधानमंत्री को अनुरोध करिसेंति प्रियंका। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि ये आदमी आजाद क्यों है। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है, जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। सेपटे शांति भंग करिबा एवं 114 धारा भांगिबा मामलें गिरफ करिथिबा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रियंका सीतापुर गेस्ट हाउस रे रखा जाइछि।
गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल करा जाइछि। आईपीसी धारा 151 रे तांकु गिरफ करा जाइछि। सेही पर दीपेंद्र हुदा और अजय लल्लू समेत अन्य 10 जनक कांग्रेस नेतांक नारे भी हरगांव थाना पुलिस मामला रुजु करिछि। प्रियंका गिरफ हेबा परे कांग्रेस कर्मी एवं नेता एक्टिव मोड रे आसी जाइछन्ति। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल विमान बंदर रे देइछन्ति धारणा। भूपेश प्रियंका को देखा करबा को सीतापुर जिबा बेले तांकु विमान बंदर रे अटक रखा जाइथिला। प्रतिवादरे से विमान बंदर रे धारणा रे बसिथिले। सेपटे उत्तर प्रदेश पुलिस आईन को जलांजलि दे सारिलानी बोली कहिछन्ति वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम। इसी गांधी धारा हटेगा तब हम वहां जाके मिल लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा आप सीतापुर भी नहीं जा सकते, लखनऊ भी आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ भी 144 धारा है। तो मैंने कहा जब लखनऊ में 144 धारा लगा हुआ है तो फिर प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम कैसे कर लिए? उसके पास अधिकारियों का कोई जवाब नहीं है। यू कैनॉट डिटेन प्रियंका जी आफ्टर 24 आवर्स अनलेस यू टेक हर टू अ मैजिस्ट्रेट एंड गेट हिज ऑर्डर। नो वुमन कैन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। She was arrested at 4:30 a.m., which is before sunrise. No woman can be arrested except by a female police officer. She was arrested by male police officers. लखिमपुर घटना को नहीं देशर राजनीति सरगरम थिबा बेले हिंसाकांड रे प्राण हरायथिबा 8 जन व्यक्ति को आसीछि पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गुली रे कहारी मृत्यु होइ नथिबा कथा रिपोर्ट रे कहा जाइथिबा बेले लाठी आघात किबा घोषणा जको मृत्यु होइथिबा रिपोर्ट दिया जाइछि। घटना रे संपृक्त थिबा अभियोग रे केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री विरोध में कार्यानुष्ठान नेबाकु सुप्रीम कोर्टर द्वारस्थ होती राज्यर दुई जन वकिल। सेपटे पुओ एही घटना रे सामिल नथिबा कथा को पुणी थरे दोहराइछन्ति केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रा। किसी भी धारा में FIR हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीज़ें स्पष्ट कर रही हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था, ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं फोटोग्राफ के माध्यम से, हजारों लोगों की उपस्थिति के माध्यम से, फोन का अगर CDR देखेंगे, लोकेशन चेक करेंगे, उससे भी क्लियर है। इसलिए हमारी किसी जाँच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जाँच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी रे रविवार दिन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं केंद्र गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खेरी जिला गस्तरे आसीथिले। एक कार्यक्रम रे जोग देबा पई सेमाने जाइथिले। एही समय रे कृषक माने ताकु कला पताका धरि प्रबल विरोध करथिले। एही समय रे मंत्री को कारकेट आंदोलनकारी कृषकक उपरे माडी जाइथिला। मंत्री को पुओ आशीष मिश्रा कार चलाउथिबा सूचना मिलथिला। घटनास्थल रे ही उत्तक्त चासी मंत्री को कार को जाळी देथिले। ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। ड्रेन नो डिजाइन बदलिबो, मुकुला ड्रेन ने स्लाब पड़िबो, तेणु आउ रहिबोनी डेथ जोन। गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन विभाग स्टैंडिंग कमिटी बैठक रे एही निष्पत्ति होईछि। आउ भुवनेश्वर पई होईछि स्वतंत्र ब्लूप्रिंट। ड्रेन उपरु जबरदखल हटा जिबो एवं नुवा ड्रेन काम पई आसंता फेब्रुवारी शेष सुद्धा टेंडर सरिबो बोली निष्पत्ति होईछि। ସହରାଞ୍ଚଳର ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ସ୍ଲାବ, ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ରହିବନି ଡେଥ୍ ଜୋନ୍। ଡ୍ରେନ୍ ଉପରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଜବରଦଖଲ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଚିନ୍ତା। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ସ୍ଲାବ। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 75ଟି ସ୍ଥାନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରାୟ 65 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ରହିଛି। ଏବେ ରାଜଧାନୀର ମୁଖ୍ୟ 13ଟି ଡ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେବ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ। କାମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ 20 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନର ଡ୍ରେନେଜ୍ ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରା ସାହିରେ ହେବ। ସୋରେଜ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଖୋଳା ଯାଇଛି କାମ ସାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନ୍ଜିଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 13ଟି ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ କଭର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ନାଳକୁ ଯାଉଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଜାଲି ଦେଇ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ କାମ ସରିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ରାସ୍ତା କରିଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଡ୍ରେନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ବ୍ଲକେଡ଼୍ ହେଇଛି।
आसंता वर्ष ये समस्या भुवनेश्वर 75 जगाटा जो विपद अच्छे से जगार बारिकेडिंग कर परमानेंट सल्यूशन पे योजना आरंभ कर एस्टिमेट सब गुड़ा प्रिपेयर है कि बाय द मंथ ऑफ फेब्रुवारी सुधा तार टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट करें सारे एवं तापर कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे एवं जो जो जगार जो मेन ड्रेन रो 13 ड्रेन रार प्रशस्तीकरण एवं तार वॉल्यूम जैसे वाटर इयर वॉल्यूम अच्छे से तार वाइंडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर कटक भुवनेश्वर ड्रेन रो दुई कण से किपरी 10 फुट उच्चतार नेट लगे एवं किपरी कैचमेंट एरिया बढ़ा से नहीं आलोचना होई एवं आउ केते ड्रेन रो आवश्यकता अच्छी तार आकलन लगी एक्सपर्ट टीम को दायित्व दिया से परी कटक भुवनेश्वर रे जातीय राजपथ कडरे हेउतिबा वाटर लॉगिंग समस्या रो समाधान ओ नुआ ट्रेन तयारी पई एनएचएआई को चिट्ठी लेखा जियो बोली कहिसंती कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकी से परी बीजेपी विधायक जयंत सडंगी कहिसंती जे पुरी शहर रो ड्रेनेज समस्या उपरे मध्य बैठक रे दृष्टि आकर्षण करा जाईछि। आज गोटे स्पेशल मीटिंग आमे डाकिथिलु मुख्यतः ड्रेनेज उपरे डिस्कशन करिया पई सब कॉर्पोरेशन रो एवं कटक भुवनेश्वर ड्रेनेज उपरे पुंगानुपुंख आलोचना होती कौन कौन पदक्षेप बीएमसी और सीएमसी नहीं कहते एवं जो जो असुविधा अच्छे आम आलोचना परिसर भितर आनीचु एवं किपर भाव में मुकुड़ा ड्रेन कवर हम किपर भाव में नेट लगे ड्रेन दुई कड़े 10 फिट हाइट्र एवं जल निष्कासन करने जो ड्रेन एनक्लोजमेंट होती किपर एविक्सन कर कैचमेंट एरिया बढ़ा तापर आलोचना चली बड़ ड्रेन गुड़ा जो अच्छी तार स्लाब पकड़ा बस गुरुत्व दिखाई आउ जो ड्रेनेज डिपार्टमेंट जो कम गुड़ाक छाड़ दे अधापंत विशेषकर पूरी कथा कहूँ ताको केमती कम्प्लीट करेंगे एवं भी साई गली कंदी डाक्तरान छक बस स्टाण विभिन्न जगार जो अधापंत काम रखी कम संपूर्ण करेंगे। निकट में जड़े 10th श्रेणी छात्र भुवनेश्वर मुकुला ड्रेन में भासी जाने तुम्बी तोफान होता बीएमसी और नगर उन्नयन विभाग अवहेला को दायी कर रास्ता को ओह्ल विभिन्न राजनैतिक दल और सामाजिक संगठन भुवनेश्वर कैमरामैन गौरव प्रसाद राजगुरु महेश प्रसाद नंद न्यूज एट नोडिया। विद्युत बिल आदाय करे एसएसजी सदस्य घर को जाई बिल आदाय कर एसएसजी जो घर को लाइन दिया जाए तुरंत दिया प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे सिम कार्ड जरिया जन जी पेमेंट करतीकी बिजुली व्यवहार कर प्रतिमास शेष ग्राहक मान बिल देव कंपानी विधानसभा शक्ति विभाग स्टैंडिंग हाउस कमिटी बैठक एने विद्युत वितरक कंपानी को निर्देश देते बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र पावर कट पूर्व गाँ दंड प्रचार होगा दरकार जो मैंने आउटसोर्स कार्य कर टेक्निकाल हो नॉन टेक्निकाल राज्य सरकार द्वारा धार्य मजूरी दर में अर्थ पाइबा दरकार बाचस्पति कहते बैठक में टाटा पावर साउथ कोर सीईओ एवं शक्ति विभाग अधिकारी जोगद बैठक में मुख्यतः 3-4 दिग उपर आलोचना करो अंचल ठिक भाव पावर सप्लाय हो पारिनी पावर सप्लाय कर किसी मिडिल मैन जो बिजुली बिल आदाय होता से टंका हेरफेर हो कि भाव में बंद होता गुरुत्व दिखाई विभाग सचिव एवं टाटा कंपनी दक्षिण ओडिशा साउथ को जो अच्छे तार सीओ टू आरंभ कर समस्त अफसर डक चार जिन भर आलोचना है से नापर जो अंचल पावर लोड लोड ट्रांसफर जो ठीक पावर सप्लाई हो पाने किसी मिडिल मैन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने जो टंका कलेक्शन करते टंका से माने नबारे हेल्पफेल करने हेतु से टंका डायरेक्ट कंपनी नवाप कहला जो गुड़ाक इलेक्ट्रिफाइड है भिलेजेस किंबा जो घर को लाइन दिया है से तुरंत दबा एवं स्मार्ट मीटर अर्थ जड़े चाहिए से मीटर लगे तार जी पावर दरकार से सीम किनिक पकईदे आवर प्रति मस बांधा दरकार नहीं पावर काट हवा पूर्व माइक गाँ गुंडार प्रचार करने दरकार एवं जो मैंने बर्तमान आउटसोर्स काम कर
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମିନିମମ୍ ବେସ୍ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଇଁ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି କଥା ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ମତି କଲେ। ମଝି ଦରିଆରେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ ଏବଂ କାରବାର ଘଟଣାରେ ଆଜି ଆଉ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏନ୍ସିବି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 16 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଏନ୍ସିବି କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମନୀଷ ରାଜକରିଆ ଏବଂ ଅଭିନ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଏନ୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧିକ ସୂଚନା କିଛି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ସିବି 3-ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ସେମାନଙ୍କର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବ। ସେପଟେ ଏନ୍ସିବି ଜୋନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମୀର ୱାନଖେଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବଲିଉଡ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଗୋଆରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏନ୍ସିବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ବଲିଉଡ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ସିବି 114 ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 34 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଥାନେରୁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଜାହାଜରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ସିବି ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏଣିକି ଫାଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଏସ୍ଆଇ। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ, ଏବେ ଫାଣ୍ଡି ଇନ୍ଚାର୍ଜ ହେବେ ଏସ୍ଆଇ। ରାଜ୍ୟର 216 ଫାଣ୍ଡିରେ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଶକ୍ତ ହେବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ଫାଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ପୂର୍ବରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଏସ୍ଆଇ ମାନେ ଫାଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଫାଣ୍ଡିରେ ଦିଆଯିବ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଫାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 216 ଫାଣ୍ଡିରେ ଏସ୍ଆଇ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ସୂଚନା। ଏଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏସ୍ଆଇ ମାନେ ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ। ଏସ୍ଆଇ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଭାବେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ। ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏସ୍ଆଇ ମାନେ ବୟସରେ ଢେର କମ୍, ଯୁବ ବୟସର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅଧିକ, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାରେ ହେବ ସହାୟକ। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନେ ଏଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଧିକା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥାନ୍ତି ତା ଉଚ୍ଚକୋଟିର, ସେମାନେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଏଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ୟଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ବିଚାର କଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଭଳି ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଫାଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ। ତାଛଡ଼ା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋଡ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଫାଣ୍ଡି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ତା'ର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଜନସାଧାରଣ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, କିଏ ବାହାରକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଫାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାର, ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସହରାଞ୍ଚଳ ସଦର ମହକୁମାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫାଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏସ୍ଆଇ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଚାପ ଅନେକାଂଶରେ କମିଯିବ,
कारण दक्ष अफिसर रहिले फांडी एरिया रे अपराध नियंत्रण सहज हो पार। केन्द्रापड़ारु कैलाश साहू, गंजामरु अजित दास एवं भुवनेश्वरु महेश प्रसाद नंद, न्यूज 18 ओडिया। समस्त होइछि बुलेटिन को 8 रखिबा। नमस्कार।